में जाना आसानी है। अच्छे तो मैंने सनस्क्रीन लगा ली अपनी बाजुओं में भी, फेस पे तो चलो अप्लाई करना ज़रूरी होता ही है। बाकी गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है निकलने का हमारा मम्मा की अपॉइंटमेंट के लिए। देखो मम्मा पापा हम सब रेडी हो चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। टाइम पे तो हम ठीक है, बट अगर हाँ 10-15 मिनट और देरी कर दी तो लेट हो जाएगी। तो गाइस हमने जाना है सेक्टर 62 मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट है। इतनी धूप है ना, अभी धूप में गाड़ी खड़ी हुई है और अंदर से इतनी ज़्यादा गर्म होगी होगी ना कि क्या ही बताऊँ। धुल तो चुकी है, चलो अपनी गाड़ी। साहब इसमें तो धक्का लगा है भाई गर्मी का, पहले तो इसको मैं ऑन करूं, साथ में जरा शीशे डाउन करूं। ये स्वेटिंग चालू हुई नहीं, जितना भी क्रीम है देखो ये निकलना शुरू हो जाता है। अब सारा क्रीम निकल जाएगा ना तो फिर से सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा वरना टैनिंग हो जाएगी। चलो जल्दी कर यार, चलो थोड़ा लेट घर से हो गया गाइस, अब ऊपर से यहाँ ट्रैफिक फंस गया, अब ये और लेट करवाएगा। वैसे ही हम ऑफिस टाइम पे निकले और जाना भी हमारे को एयरपोर्ट रोड होते हैं और इस टाइम इस रास्ते पर इतना रश मिलेगा ना हमें ऑफिस के, हाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ हमारे को 30 मिनट लगने थे वहाँ 45-50 मिनट लग जाएंगे। गाड़ियों का रश नहीं है इस साइड, ट्रक का रश है, ट्रक का अलग ही ट्रैफिक है यहाँ पर और इनसे निकलना टास्क हो जाता है क्योंकि ये चलते भी लाइन में, ये एक साथ चलते भी तीन तीन चार चार है सोचो, और इनको पास करते करते सारा ले जाओ सारा, मैं तब तक गाड़ी पार्क करके, आप लोग चलो। गाइस फोर्टिस पहुंच तो गए, अब पार्किंग का यहाँ फिर से इश्यू है जैसे कल पारिस में था, तो यहाँ पर तो पहुंच गए बट अब यहाँ भी पारिस की तरह पार्किंग है, पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। ये समझ नहीं आ रहा है मुझे पार्किंग में जाना चाहिए अंदर की नहीं, तो ये वेले पार्किंग वालों है तो मैं खुद ही बाहर लगा लूँ ये पार्किंग, क्योंकि यहाँ रश भी बहुत है, टाइम भी बहुत लगेगा मुझे, और साथ ही मैं लगाए गए कहाँ कैसे लगाए गए वो भी अभी कुछ आइडिया नहीं है। कितना से गया फोर्टिस के अंदर कॉस्टा खुला हुआ है यार, यहाँ कॉफ़ी भी तो गाड़ी मैंने थोड़े टाइम के लिए पार्क किया, मुझे पता नहीं वहाँ करने देगी मुझे कि नहीं, मैं सोचा बढ़िया से कॉफ़ी ग्रैब करता हूँ फटाफट फिर से चल जाऊँगा गाड़ी के बाद, मम्मी पापा का वेट गाड़ी में ही कर लूँगा बेशक। सुबह से एक तो मैंने कुछ खाने से पपीता खाया क्योंकि मेरा पेट अजीब हो गया था, तो पपीते से थोड़ा ठीक तो है। कॉफ़ी इसलिए चाहिए क्योंकि कल रात को लेट सोया था, सुबह जल्दी उठ गया तो नींद से आ गई। मैं सोचूंगा इसमें से कुछ खाऊँ, लेमन केक खाऊँ या डेट रीजन फिक केक या ऑरेंज केक या ब्राउनी, मन मेरा वैसे डेट रीजन फिक केक खाने का कहता है। तो गाइज़ फाइनली हम फोर्टिस में चेकअप करवा के आ गए थे, तो डॉक्टर ने बेसिकली बोला था मम्मा को कि आपको MRI करवाना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार एक्सरे में प्रॉपरली दिखता नहीं है जो मतलब देखना चाहते हो आप। हमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि MRI करवाना पड़ेगा, हमने एक और मतलब आपको मैंने बताया होगा कि हम पहले भी एक डॉक्टर के पास आ गए थे जहाँ जिनसे हमने चेकअप करवाया था पहले भी मम्मा का, तो मम्मा ने जब उनकी दवाइयाँ खाई थी मम्मा को फ़र्क पड़ा था, बट जब से फिर उन्होंने वापस चलना शुरू किया उनके वापस फिर से सूजन आ गई थी, तो उन्हीं डॉक्टर के पास हम वापस आए। हम मतलब पूछना चाहते हैं कि मतलब ये बार बार रिपीट हो क्यों रहा है, MRI की क्या सच में जरूरत है कि नहीं है। हमारे को ये 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मैं चलो ठीक है निपटाते हुए चलते क्योंकि चेकअप करवाना जरूरी है और पता लगाना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, तो अगर ये भी MRI बोल देगी तो MRI भी करवा लेंगे फिर लगे हाथ। तो मम्मा पापा अंदर गए, मैं तब तक पार्किंग पे लगाई गाड़ी, साथ में अपनी कॉफी भी इंजॉय कर रहा हूँ, कॉफी ने जान बचा दी सच बोलो। कोस्टा की आइस्ड कैपुचिनो वर्थ इट, मज़ा आ जाता भी है, वो है कि इसमें मैं 2 एस्प्रेसो के शॉट ऐड करवा सकता था बट इतनी नीट थी नहीं मुझे। सो गाइस अब डॉक्टर ने इनको एक्सरे के लिए बोल दिया फिर से ताकि एग्जैक्ट पता लग जाए कि पाँव कितना रिपेयर हुआ है कि अभी और क्या दिखते हैं। तो गाइस
फाइनली चेकअप हो चुका है, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी है, उन्होंने एक्सरे भी चेक कर दिया है। हमने इनको बोला कि MRI के लिए भी हम आपको एक डॉक्टर बोल रहे थे, बोलते MRI की ज़रूरत क्या है, अगर मुझे ऑपरेट करना है पूरी तरह, फिर उसको रिपेयर करना है टिशू को या मसल को या बोन को, तब जाके मैं MRI रिकमेंड करूँगा, वरना MRI की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ एक्सरे कराओ, एक्सरे से ये पता लग जाएगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है बोन की, और वो भी पता लग गया तो बोन तो ठीक है, बट ये हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ दे दी है। डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट टाइम है मैंने दवाइयाँ दे दी, अब रिकवर कर जाओ। अब हमने पापा की आंखों का चेकअप भी करवाना है, वो समझ नहीं आ रहा वो चंदे घर में कर रहा है लॉ सेक्टर में या फिर दृष्टि में करवाए जो पंचकुला में, मतलब जो कल टेस्ट करवाए थे उसकी भी रिपोर्ट आई है, वो भी दिखानी थी, वो अब कहाँ दिखाएंगे वो भी समझ नहीं आ रहा है, फिर सब्जियाँ भी लेनी है वो कहाँ से ले वो भी समझ नहीं आ रहा है। हम ज़्यादा नहीं तो 75 से 100 किलोमीटर तो ट्रैवल कर ही ले गए, क्योंकि सबसे पहले देखो मोहाली गए फोर्टिस, फोर्टिस से हम गए छज्जू माजरा, खरड़ वाली साइड पड़ता है, फिर वहाँ से अब जा रहे हम पंचकुला दृष्टि आए हॉस्पिटल, फिर उसके बाद 20 सेक्टर जाएंगे, वहाँ से सब्जियाँ उठाएंगे, फिर जाएंगे VIP रोड, फिर जाके जाएंगे घर, तो मतलब 100 किलोमीटर का तो हो ही जाएगा अपना सफ़र आज का। अभी भी हम चंडीगढ़ के अंदर ही घूम रहे हैं, यहाँ से अब हम जा रहे हैं पंचकुला की तरफ। तो चलो गाइस फाइनली पहुंच गए दृष्टि आए हॉस्पिटल, देखना गाइस क्या लिखा है, यू स्टेस टू स्टे हेल्दी, बट तब भी हम अभी ना लेफ्ट में जाने वाले थे एक फ्लोर के, सो आयरोनिक हर फ्लोर पे लिखा है यू स्टेस टू स्टे हेल्दी, बट इनके जो एम्प्लॉय वो लिफ्ट में ही आना जाना कर रहे हैं। क्या हुआ अब भाई, यह लिखी है क्या है, क्या क्या मेडिसिन धूप, अंदर बढ़िया था यार AC में ना ठंडक, बाहर आके एकदम भपका है धूप का और गर्मी इतनी हो। बाकी चेकअप हो चुका है गाइस, पापा को मेडिसिन दे दिए, 2 ड्रॉप्स दिए बेसिकली, चलते हैं 20 सेक्टर, वहाँ से अपने सब्जियाँ भी लेनी और कुछ खाते पीते भी, भूख लग रही है मम्मी पापा को, हो सके तो आज मतलब इनकी रिपोर्ट्स भी चेक हो जाए, अभी के अभी तो ज़्यादा बेटर है, फिर एक साथ ही घर चल पड़ेंगे। 20 सेक्टर पंचकुला आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम गाइस, इतने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस मार्केट में कि क्या ही बताऊँ, और इस मार्केट में आने के लिए हम हमेशा ही खुश रहते थे, क्योंकि पहले यहाँ साहिल रहता था नियर बाई पीर मुशल्ला में, तो उसके वहाँ से 5 मिनट का रास्ता होता था, तो हम हमेशा यहीं आते थे, तो है ना बहुत सालों के बाद, तो हमारी यादें बहुत है इस मार्केट के साथ। यहाँ पर मुझे याद है यहीं कहीं आसपास चाँप भी मिलती थी पहले इवनिंग टाइम पे, पहली बारी मैंने चाँप खाई भी यहीं थी, और क्या होती थी वो नहीं। अभी हम जा रहे गोपाल्स, गोपाल्स में थोड़ा बहुत देखते हैं खाने पीने का, फिर उसके बाद चलते हैं सब्जियां लेटते हैं। चूर कुलचा चना प्लस क्या बात है, चाय बढ़िया बनाई है यार। खाना यूजुअली जो गोपाल्स का खाना होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, हमने राजमा चावल खाए, चूर चूर नान खाया, काफ़ी ज़्यादा हैवी था, बट चाय कड़क है ना, पापा को बढ़िया लगेगी चाय शायद, बढ़िया है जी चाय पियो, ठीक है ना, ठीक है ना चाय भी। धूप में खड़ाए खड़ाए गाड़ी इतनी गर्म हो गया ना गाइस कि आज अभी देखो मैंने 6 में डाल दिया परफेक्टली, वरना यार धूप में जब भी खड़ी हो अंदर नहीं बैठा जाता है, देखो स्वेटिंग हो जाती है। बाकी इतने टाइम बाद हम 20 सेक्टर पंचकुला भी आ चुके हैं, लेते हैं यहाँ से बढ़िया सब्जी और फ्रूट्स। क्या बात है, इतने टाइम बाद सब्जी भाई, और यहाँ इतनी फ्रेश सब्जियाँ, क्या बात है। तो लो जी ये अपने दोस्त हो गए, ये सब्जियाँ होगी, ये भी सब्जियाँ होगी, ये वाला काम भी पूरा हुआ। हमने लास्ट जगह जाना था वहाँ डॉक्टर बैठे होते तो हम निकल भी जाते, अभी वहाँ से भी चेकअप करवा के एक बारी में घर, फिर कोई लोड नहीं थी, बट वो डॉक्टर अभी शायद ही बैठे होंगे, फोन किया था हमने तो बोलते हम मैं आऊँगा 5:30 के बाद, तो फिर तो मुश्किल है। ओ भाई गाड़ी अभी भी गर्म है यार,
चाव में खड़ाने के बावजूद भी लगता है वो जो पहली की हीट थी वही अभी तक ट्रैप्ड है, वही बाहर नहीं निकली है। गाइस सुबह 9:30 बजे के हम निकले हुए और अब 4:30 बजे वापस आ रहे हैं। ये तो तब भी ऐसा है कि मतलब एक जगह हमारी रह गई, एक डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, वरना तो 6:30 बजे तक ही वापस आते हैं ना। सही बात है, और ही था अपना दिन, एक कोने से दूसरे कोने छूते रहे हम बार बार, बट ठीक था है, काम निपट गया अपने बहुत सारे, अच्छी बात है। तो टोटल टेंशन तो होता है अगर सुबह आप टाइम से निकलो काफी होता है। एक दिन का पांव दिखाने के लिए बड़ा बहुत जरूरी था, जरूरी था वही। अच्छा नंबर दो मेरा भी सारा पीठ वाला जो मामला था काफी टाइम से। हाँ नंबर दो मेरी आंख का भी था, आंख का भी जरूरी था, बोला जाता है कि सुबह जल्दी जाओ और अपनी मतलब सक्सेसफुली सारे के सारे काम निपट चुके अपने, तभी निपटते टाइम से करते हैं। इसको देखो ये बाहर से गंदी है और ये बेचारी अंदर से गंदी है, अंदर से ये भी गंदी होगी बट जो हाल इसके ना अच्छा लग रहा देख के। अब ऐसा है कि साफ़ करवानी है, एक तो इसकी सर्विस करवानी और साफ़ करवानी। इस जगह को देखना यार, इस जगह को ना मतलब कहाँ से कहाँ देखा है हमने इस जगह को, कहीं इवन इस बिल्डिंग को यार, ये खाली होता था पूरा इलाका पहले ही, फिर कुछ ही टाइम में बिल्डिंग खड़ी होगी। यहाँ पर खेत ही खेत होते थे, जैसे वो आगे दिख रहा है ना आपको खेत, वैसे खेत होते थे हम बिल्कुल, बट यहाँ भी अब बिल्डिंग बन रही है पूरे उसमें, यहाँ से लेकर वो एंड तक, वो सामने दीवार दिख रही है वहाँ तक खेत ही खेत होते थे। सेम विद दिस प्लेस, ये देख रहे हो पीछे, यहाँ भी भाई खेत ही खेत होते थे बट अभी यहाँ भी बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। कोई जगह छोड़ेगी भी है जहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी, कुछ जगह ऐसी भी रहने थे जहाँ खाली दिखे से प्लेन दिखे तो मज़ा भी है देखने का, वरना मुंबई जैसा हाल हो रहा है सारी जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। बाकी मौसम बड़ा सुहाना हो गया गाइस इस टाइम, और अभी हमारा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि जो एक चीज़ हमारी बची थी आखिरी चीज़ पापा मम्मी की रिपोर्ट्स थी वो चेक करवानी थी डॉक्टर से, बट ये है कि शायद वो हम उसके लिए आज ना जाए कल जाए, क्योंकि एक तो डॉक्टर को मैंने जस्ट फ़ोन किया था तो वो अभी तक फ्री नहीं हुए है, करके हमने डिसाइड किया कि आज की बजाय कल ही चलते यार। कैसे हो गए तो घूम ही रहा था क्या? पाँच हज़ार थोड़े तो मेरे भी हो गए होंगे। अब गाइस जब भी बाहर जाते यही मौका होता है स्टेप्स बढ़ाने का, गोल पूरा करने का, स्टेज उतर जाओ क्योंकि बाकी जगह तो फिर आपने गाड़ी में ही जाना है। ठीक है पतला होगा तू या मोटा ही होगा? बैग शर्ट तो अच्छी है बट यू वांट टू बाय इट अदर। सो गाइस बड़े उससे गए थे जूडियो, आज बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला था, काम हमने निपटा दिया था अपना, टाइम भी काम मिला था। हां वैसे तो टाइम था तो ले सकता था तेरे पास, नहीं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। हां ही वाज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि सेम जैसी चीजें थी तो इसको मजा नहीं आया, मेरा मूड जैसा नहीं था। अरे मेरे को पता क्या है, मुझे हम H&M चलेंगे वहां करूंगा फिर तक, अभी चलो H&M वहाँ करवाऊंगा खर्चा किसका अपना। हाँ अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यहाँ तो भाई का मन मतलब इसको कुछ पसंद आया नहीं, पहले एक शर्ट दो बॉक्सर्स चूज किए थे, उसके बाद दो बॉक्सर्स पे बारी आई फिर वो भी कैंसिल कर दिए, तो हमने सोचा रहने दो आज कुछ नहीं लेना है, आज मूड नहीं है, आज चलते हैं, आज घर चलते हैं, कोई नहीं कभी और देखेंगे। अब भाई ने वैसे भी अपनी विश तो रख ली है H&M की, तो मैं चल कोई नहीं देखते वो भी। अरे आज आप मिट्टी देख रहे हो किस हिसाब की धूल मिट्टी उड़ रही है, ये सारा भी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद उस करके ही लग रहा है मुझे, बट बहुत ही बुरे हाल है यार, ये तो गले में जम सकती है और ये गला खराब कर सकती है। थोड़ी सी कुल्फी हाँ थोड़ी आइसक्रीम ले लेते हैं। कैसे हैं भैया जी? चार ये कर दो, चार रबड़ी कर दो, दो रबड़ी चार। Why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid just finished it, can't be undid.